जय माँ कात्यायनी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ आपका अपने विशेष कार्यक्रम में वार्षिक राशिफल। और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना स्नेही और प्रेमी आचार्य प्रमोद मिश्रा। मित्रों, वार्षिक राशिफल के अंतर्गत 2018 में क्या आपके साथ होने वाला है और किस विषय की जिज्ञासा आपकी है, उसी विषयों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो अभी मैं बात करूँगा कन्या राशि की, कि जिन लोगों की राशि कन्या है और जिन लोगों का नामाक्षर टो अक्षर से पा पी पू अणा और था अक्षर से जिनका नाम है, उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्या होगा अगला वर्ष, क्या लेके हमारे लिए आएगा, क्या जीवन में उतार होंगे क्या चढ़ाव होंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर इस नए साल में अनेकों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि आपके सामने अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, जबकि कई तरह के एपिसोड मैंने बनाए भी, आपको दिया भी मैंने। तो मैं शुरू करता हूँ आपसे, सर्वप्रथम आपका पारिवारिक जीवन किस तरह का रहेगा, तो इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि पारिवारिक जीवन इस दृष्टिकोण से नया साल आपका मिला जुला फल देने वाला है। जैसे कि परिवार के सदस्यों तथा सगे संबंधियों के साथ रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है, रिश्ते आपके कुछ कड़वाहट भरे रहेंगे, वैचारिक मतभेद हो सकता है, जीवन साथी के साथ विचारों की लड़ाई हो सकती है, परंतु ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरे भाई मतभेद हो गए तो कुछ समझाने के लिए कुछ होगा, समझदारी भी कुछ तो चीज़ होती है, तो वहाँ पर अपने आप को एक समझाने की जरूरत है। चतुर्थ भाव में शनि होने के साथ स्त्री के साथ, माँ के साथ कुछ विचारों का मतभेद आ सकता है, विचारों में कड़वाहट आ सकती है, यहाँ पर आपको सावधान रहना है। प्रॉपर्टी के को लेकर के कुछ विचारों का विवाद संभव है, इस विवाद से आपको हानि हो सकती है, यहाँ पर जो है आपको समझने की जरूरत है। किसी कारण से घर तोड़ने की नौबत भी आ सकती है, घर छूटने की भी नौबत आ सकती है, और आपके साथ अन्याय ज़्यादा न्याय कम होगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। और ध्यान रखिए सितंबर का महीना थोड़ा सा आपके लिए ठीक आएगा, इसके बाद थोड़ा सा पूरा वर्ष जो है थोड़ा सा इस चीज़ में गड़बड़ी आपकी है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, तो पारिवारिक रिश्तों में परेशानी तो रहेगी, आपके स्वास्थ्य पर विशेष उसका असर पड़ने वाला है, परिवार के साथ साथ स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की दशा और अंतरदशा अगर आपके जन्म पत्री के अंतर्गत चल रही है तो निश्चित है कि आप बीमार पड़ेंगे, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता, और इस बीमारी में सबसे बड़ा जो रूप होगा वो पेट का होगा, यानी पेट की समस्या को लेकर बीमार पड़ेंगे। साथ में आपके हाथ की नसें, पैरों की नसें, हृदय की नसें ये कमज़ोर हो सकती हैं, इन नसों की कमजोरी की वजह से आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ध्यान रखें आपने शाकाहार ही आहार लेना है जो कि परमात्मा ने आपके लिए बनाया है, आप बिल्कुल आहार चेंज न करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड्ढे में गिरने वाले हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर परेशान होने वाले हैं, कमर और जंघे के दर्द की शिकायत आपको विशेष रूप से हो सकती है। अब हम बात करते हैं धन से संबंधित, यानी इस साल में आप आर्थिक हानि के शिकार हो सकते हैं, लेन देन के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, दिया गया धन वापस मिलने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है साथ। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते रहे, किसी के साथ आपने इस साल में बेईमानी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया धन से संबंधित, तो हो सकता है कि परमात्मा आपके साथ खड़ा हो। और धर्मेण नते व्याधि, इस सूत्र के साथ धर्म के द्वारा आपके इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, उसे धन भी कमा सकते हैं। आपके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है और शुभ कार्यों में आपके लिए धन खर्च हो सकता है। बात करते हैं नौकरी की, इस साल आप के लिए नौकरी के नए मौके आएंगे, नौकरी की तलाश में बहुत अच्छा अवसर है, तलाश करें, लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अक्टूबर से पहले थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन अक्टूबर के बाद सारी दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। और अब हम बात करेंगे आपके व्यापार की, अगर आप व्यापारिक वर्ग में हैं तो ध्यान दें, नया साल व्यवसाय के क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यवसाय को लेकर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा आपकी लंबी हो सकती है, हो सकता है कि आपको विदेश भी जाना पड़ जाए,
थोड़ा संभल करके काम करें, काम में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो एक दूसरे को विश्वास बना के रखें, लेकिन घटा आ सकती है, ऐसी संभावना है। हम बात करते हैं आपके संबंधों के बारे में कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि तीसरे भाव में आपके कुछ विशेष अच्छे ग्रह नहीं हैं, जिस कारण से आपका प्रेम भाव ठीक नहीं है। पंचम भाव भी थोड़ा सा ऐसे ही है, जिसकी वजह से आपका परिणय सूत्र यानी वैवाहिक जीवन में थोड़ी घटा सकती है। और विवाह के चांस अगर बने हुए हैं तो ये चांस मतलब बिगड़ सकते हैं, मतलब काम आपका रुक सकता है, ऐसी स्थिति आ रही है। 1 सितंबर के बाद आपका समय अच्छा आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बाप के लिए कि आप क्या करें क्या ना करें, तो अपने विवेक का परिचय देते हुए पारिवारिक समस्या को अपने से बड़ों के ऊपर छोड़ देना ही उचित रहेगा। संतोष और धैर्य का परिचय देना ठीक रहेगा। भावना में आकर के फिजूल खर्ची न करें, किसी की बातों में बिल्कुल ना आए। यात्रा में सावधानी रखें, वाहन चलाते हुए बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। और आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, और यदि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप भगवान सूर्य की आराधना पूजा जरूर करें। भगवान सूर्य के बीज मंत्रों का जप किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा करवाएं। साथ में गणेश महिमन नाम स्तोत्रम का, यानी गणेश के महिमा के नाम का जो स्तोत्र है, उस स्तोत्र का आप पाठ अवश्य करवाएं। अगर आपके ऊपर शुक्र की या गुरु की माता चल रही है तो आप गौ माता की सेवा भी जरूर करें, गौ माता की रोटी जरूर खिलाएं, इससे आपका यह वर्ष बहुत ही उत्तम विदेगा। तो मित्रों, आपसे मैं आगे चाहता हूँ, मिलता हूँ अगले कार्यक्रम अगले एपिसोड में, तो मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।